अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक हो ना? है ठीक है, खुश हो? खुश हो? अच्छा तो यार थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा क्या? हाँ, कि आज हमारे ताया अब्बू के घर में है इफ्तारी। ठीक है, तो इफ्तारी आज शाम को होगी, अभी दोपहर हो रही है। मैंने कहा व्लॉग का आगाज़ कर दिया जाए। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ना मेरा व्लॉग देखने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब हमारे घर में लगा हुआ है माखी, दिखाओ छोटा जाए। वो देखो, एक मिनट दिखाना, ये लगा हुआ है, ये छोटा नहीं है। और कजन बेचारा आया मेरा, पेट्रोल वो लेना है, डीजल तो डीजल पर लेन दिता नहीं हले, फिर कहते कि महंगा हो जाना है, इसको दे नहीं रहे। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के चलता रहता है। ठीक है, अभी ये भाई साहब दोबारा जा रहे हैं लेने के लिए। फोन तो है ना, सिफारिश में चल जाती है, जो समान ना लगे ना सिफारिश चलती होती है। तो भाई साहब अभी हमने नहा लिया है, बादशाह ले लिया है, नज़र आ रहा होगा है ना। तो अभी कंगी शंगी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। 4:45 हो चुके हैं, 5 उन्होंने बुलाया था, तो अभी घर वालों को भी लेकर चलना है, तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी बाल शाल बन चुके हैं, सूट शूट पहन लिया है तुम्हारे भाई ने, नया नया है, नवा नवा सूट पाया आज तो आया। ठीक है, तो यार सूट शूट भी पहन लिया है, अब बाइक शाइक रेडी है, लेकिन उसकी हालत ना बहुत ख़राब। ये देखो भाई साहब बाइक की हालत, आए हाय क्या बात है। अब बाइक तो है भाई गंदा, यानी कि मिट्टी और मिट्टी हुआ यार। दरअसल ना 2-3 दिन से ना हमारे यहाँ अंधेरी चल रही है, तो इस वजह से ना साफ करने का भी मौका नहीं मिला। और अभी मैंने ना हाथ धो लिया, साफ सुथरे हो गए हैं, कपड़े छपड़े पहन लिए हैं, तो अभी फिर दिल नहीं कर रहा कपड़ा मारने का, लेकिन थोड़ा सा मारना तो पड़ेगा, इस पर बैठ के जाना है ना। देखो यार मैं तुम लोगों के चक्कर में ना सैंडल भूलना और सैंडल डालना यार भूल गया था, फिर लेकिन अब मैंने फिर डाली है, वो इतनी यादाश्त है मिट्टी की। ओ हाँ 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 हाँ, एक बात बताना भूल गया, आज ना जब मैंने स्टेटस लगाया ना कि भाई मैंने थंबनेल बना के स्टेटस पहले ही लगा दिया था कि आज की इफ्तारी जो है वो ताया अब्बू घर। दरअसल हमारी इफ्तारी अकेले की नहीं है, दरअसल वो ना हर जो रमज़ान में इफ्तारी करवाते हैं पूरा ख़ानदान बुलाते हैं, और हम हैं ऊपर से अराई ख़ानदान के, तो अराई का ख़ानदान माशाल्लाह होता है भाई साहब। तो दरअसल जो मेरे अब्बू के बहन भाई हैं वो सिर्फ 15 लोग हैं, और 15 का मतलब है यानी कि 15 फैमिलीज, सिर्फ एक की शादी नहीं हुई, बाकी यानी कि 14 फैमिलीज, कंप्लीट 14 फैमिली सिर्फ यही हो जाती हैं। उसके बाद एक आधा बंदा इधर से बुलाएं तो भाई बंदे बन जाते हैं, इसलिए यानी कि टोटल वहाँ पर इंतज़ाम होगा, वो भी आपको चल कर दिखाते हैं, लेट्स गो। और हाँ, बात कर रहा था कि मैंने ना थंबनेल बना के जो है वो स्टेटस पे डाल दिया था, तो भाई साहब मैंने कहा था कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि शाम को आ रहा है ब्लॉग अफ्तारी का। तो मेरे कज़न ने कहा, मैसेज आया कि ये क्या वो हाजिर आ था, मैंने कहा यार सब्सक्राइब कर लो, कहता वीडियो अगर अच्छी हुई तो सब्सक्राइब करेंगे। तो यार आप लोग जानते हो कि आपका भाई मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो बात यह है कज़न भाई, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, ठीक है, वैसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो आप मेरी देख रहे हो कि ये मैं ज़रूर जानता हूँ। तो यार जो कि मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो आपको एक बात बताते चलूँ कि यार आप ना जो भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके सामने जो आती है ना वो अच्छी या बुरी नहीं होती, उसको देखने का आपका नज़रिया जो है ना वो अच्छा या बुरा होता है। अगर आप शहद की मक्खी बन के देखते हो तो आपको फूल वगैरह और रस नज़र आएगा, ठीक है, और अगर आप मक्खी दूसरी बन के देखते हो तो आपको गंदगी ही नज़र आएगी। अगर मक्खी ना बनो, जाके बनना है ना तो शहद वाली मक्खी बन जाओ, ठीक है, या फिर इंसान ही बना जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाकर भेजा है, ठीक है। इंसान बनोगे तो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, और आपकी सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर, मेला वाले हम मेला आदि भी वो करवाते हैं, थोड़ा सा पढ़ भूल लेते हैं और, ठीक है। तो अभी हम मैं अभी अभी पहुँचा हूँ, ये मेरा कज़न है जिनके घर मिलाल है, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो यार अभी पहुँच गए, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे इंतजाम हो रहे हैं, मैं घर से हूँ, फिर चलते हैं। तो भाई साहब ये देखो, ये बच्चे हमारे खाना, ये तो अभी 2-4 हैं, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 बंदों के बन रहे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, ये सिर्फ 5 बन रहे हैं बस, बाकी अभी आने हैं, टेंशन ना लो, हले आने दो, दिखाने हले बाहर भी चल रहे हैं दिखाने तुम।
ये देखो यार इधर इंतजाम हो रहे हैं, ये हमारा एक और कजन है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओ ये इनका बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम लाला। देखे शेके पाक रहे हैं, ये नशे लगे हुए हैं। ये भी मेरे चाचा चाचू हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस मान में आ गया आलू। आलू आलू कहते हैं भाई। तो भाई साहब अभी बच्चे से यार मेरा सिर खाई जाते हैं, तो वो कदर बेचारा काम लगा पाया वा। मैं बच्चे गेम शेम खेल रहे थे, इस तो काम नहीं कर रहे फिलहाल। हाँ जी, तो भाई साहब हमने कहा था ना कि हमारे पास मेहमान जो है वो आएंगे। अब देखो पहले मैं एक मोटर खड़ा किया था, फोन देखो रश पै गया रश। अरे उधर भी खड़े हैं दो चार, वो अपनी गड्डी शड़ी भी आ गई है फिलहाल। अरे इफ्तारी में टाइम रह गए बाकी 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट बाद फिर इफ्तारी होगी फिर चलेंगे। ओ भाई साहब आ देखो मैं ना हूँ नेरा हो गया ना, इस लाइट मोबाइल की बाल नहीं पै रही मैं, तो मैं मेरे ना मुँह से फूल लड़ गया। ए आ देखो यार मुँह से ना फूल लड़ गया, मैं दस्तरखान चंगे बिछाया मेरे फूल ही लड़ गया। हाँ जी, तो भाई साहब यार तुम्हें पता लग गया वा कि मेरे मुँह से जड़ी है ना वो फूल लड़ गया वा। हूँ इन्हें काम चेक करो यार, एक बार मैंने कोई बंदा ब्लॉग नहीं बना देता, और मेरी मैं इन्होंने को लाइट बनवा के ब्लॉग एंड करने वाले आखिरी वीडियो बना रहा वहाँ, तो मैंने वीडियो नहीं बना देते। हम देखो मिनट बाद यार लाइट बंद कर देंगे। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम मैंने जानते रह गया ना। फाइनल गल करते, फोन लड़ गया इस समय कौन ज़्यादा बोल नहीं हो रहा, बस यार डंग डूंग कर लिया से सुबह तक सोच जाएगा मूँ, तो बाकी ओके हो गया। बाकी वो भाई कजन है वो चीज़ अच्छी दिखती है अगर तुम देखोगे, ठीक है ये बात याद रखना। और बाकी यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को कर दो फॉलो। ओके अपना ख्याल रखियो, अल्लाह हाफिज़।